दरअसल ये च्यवनप्राश है, महर्षि च्यवन के नाम पर च्यवनप्राश बना, जिन्होंने अपनी वृद्धावस्था को वापस यौवन अवस्था में लाने के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया था। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कौन सा कोई पैसे दे रहा है डाबर, ये लो भाई देखो डाबर का खा रहे हैं हम च्यवनप्राश, और मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, शायद बहुत सालों की बात खा रहा हूँ मैं, 10-12 सालों के बाद और अच्छा लगता है। तो चम्मच मत खा लेना क्योंकि खा तो लोगे। अच्छा यार, अच्छा ही रहता होगा। देखिए कानपुर की सुबह, अब ये दिन शुरू हो गया है जब आगे का कुछ ना दिखे, जैसे हल्का सा ऑरेंज लेयर है, आ गई है, वो निकल रहे ऑफिस के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। और आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू हुआ है, अभी बज रहा है 12:15। हाँ ये घड़ी आज ठीक करती है, तो बज रहा है 12:15 और आज तैयारी चल रही है इसकी, आलू के पराठे। तो ये मेरा डो रेडी है और ये आलू भी रेडी है, इसमें मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल करने रखा है। आज हम खाएंगे आलू के पराठे और होपफुली उसके साथ टमाटर की चटनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बॉटल्स हो रही है गरम, द वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड ऑर्गेनिकली, नॉट ऑर्गेनिकली, क्या शब्द रहता है इसके लिए पता नहीं, बताइए कमेंट्स में क्या बोलते हैं। सन रेज से जब वाटर आप बॉइल करते हो तो उसे क्या कहा जाता है बताइए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मैंने आपको शायद ये चीज नहीं दिखाई थी कि मैंने यहाँ बनाया था, ये पूरा इधर हो गया। वैसे तो ये स्केयर क्रो, लेकिन ये स्केयरक्रो काम नहीं करता है क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट ही नहीं था, तो यहाँ कबूतर भी आके बैठते हैं, तो मुझे कुछ नया देखना पड़ेगा। ऊपर वैसे मैंने वो डब्बा लगा दिया और ये स्केयरक्रो किसी काम का नहीं है, तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना है कि मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, कि वो खाली खाने के लिए आए बस, बाकी मैं उनको और जगह नहीं दे सकती। ये सारी चप्पलें जो मैंने आज धोई है ये गीली है, बाकी सारी तो सूख गई। और आज तो मेरी चप्पलें भी सोच रही होंगी जो बाकी रखे हैं जिनको मैंने नहीं धोया, हमने ऐसा क्या किया है जो इसने हमें नहीं धोया और इन्हीं चप्पलों को धोया है, मैंने पार्शियलिटी कर ली है। खाली 3 चप्पलों को धोया है जिसमें से 2 मेरी है और 1 अखिल की है, और बाकी एक्चुअली शूज़ है, और शूज़ अभी धोने नहीं थे क्योंकि वो जल्दी से सूखते नहीं, तो इसलिए शूज़ हम बाद में क्या करेंगे, बाद में धोएंगे। तो कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? रक्षा ने भी बढ़िया सी सफाई वफाई कर ली है, आज पूरे दिन रक्षा जमकर सफाई में लगी हुई थी, क्या दरवाज़ा साफ किया, मैट साफ किया, बालकनी साफ की, बहुत सारी चीजें। तो कबूतरों को अब एक साफ वॉशरूम मिला है फिर से गंदा करने के लिए। कबूतर भी मेरी अच्छाई का फायदा उठाने लग गए हैं। तो फिर क्या है? गुटर को लोगों की तरफ से है, कबूतर की तरफ से गुटर को। तो ये देखिए, ये पानी पता नहीं कौन किसने गिराया है यहाँ पर, हमारे अलावा भूत ही तो रहते हैं यहाँ। हाँ तुमने गिराया था क्या? ना मैं तो करती हूँ, जो होता है तुम ही करती हो, मैं ही तो करती हूँ, जो गड़बड़ होती है वो तुम। हाँ।
जो अच्छा होता है वो मैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेंस है इस बात की? मैं तो ऐसे ही गड़बड़ी करती हूँ ना। वैसे मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने ये भिगाए थे इनको अभी बर्फ गए हैं, इन्हें मिट्टी पे लगा देंगे हम, जंगल बनाएंगे अपना। एक्चुअली मेरी भी एक मीटिंग चल रही है, तो अभी एक ब्रेक लिया है, तो हमने कहा उस दौरान चाय पी लेंगे। अभी मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, शनिवार है तो मंदिर जाने का पूरा प्लान। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। पिछले बार हम गए थे लेकिन हमने बताया नहीं था कि हम कौन से मंदिर गए, तो इस बार हम बताएंगे। इस बार थोड़ा एक आध शॉट, हाँ मतलब वो एंट्रेंस वाला शॉट। ये देखिए इनको कोई लाज लज्जा है, अभी भी बैठे दरवाजे पे बैठे। हम लोग हो गए रेडी, अभी हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी के लिए। आज तो मैं अपनी बढ़िया साफ सुथरी चप्पल पहन के जाऊंगी। ये इसी की ये शॉल है, शॉल मतलब स्टोल है। ठंड लगे तो क्या कर सकते हैं, या तो थोड़ी फैशन कर ले या तो थोड़ा ठंड लगवा ले। वैसे पास में जाना है इसलिए। तुम्हें क्या चाहिए, शूज चप्पल? जो चप्पलें साफ हो गई है ना, वो ऐसी चमक चमक के दिख रही है कि क्या बताऊं, ऐसी लखलखा, क्या बोलते हैं, लखलखा रही है। लखलखा कुछ तो शब्द है यार, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। चलो मम्मी, तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ना। हम लोग जा रहे हैं काका देव, आपको भी ले चलते हैं। जाएंगे वापस घर। रेडी टू गो हो? चलो चलते हैं। ज़ूम कर रखा है क्या? हाँ सॉरी ज़ूम था। मैं वही कहूँ, उनका बहुत अभी एक्स्ट्रा वाइड है वो, शायद अब ज्यादा छोटा है, अब फ्रेम सही है। समय क्या हुआ? 7:26। घड़ी में नहीं देखा तुमने? लैपटॉप में है ना। घड़ी में नहीं देखा तुमने? चार्ज हो गई तुम्हारी घड़ी? हाँ, चार्ज थी, बंद हो गई तीसरे। मेरी घड़ी एक्चुअली ऐसे हाथ दबा रह जाता है तो ये बटन प्रेस होने से बंद हो जाती है। अच्छा तुमको इसीलिए तब लग रहा था कि चार्ज नहीं है? मुझे लगा कि तुम अब तक बंद घड़ी पहन के घूम रहे हो। मेरी घड़ी 50% पे चार्ज है। आई मेक श्योर कि मैं बंद घड़ी नहीं पहनूं। फेंग शुई के हिसाब से भी बंद घड़ी, घड़ी का टूटा हुआ कांच, घड़ी का खराब पट्टा, ये नहीं पहनना चाहिए। हाँ लेकिन मेरा तो पोपट हो गया। मेरा टेक्निकली मैना होना चाहिए था, क्योंकि पोपट की वाइफ मैना ऐसा बताया जाता है। एग्जैक्टली होता नहीं है लेकिन मतलब तुम मानते हो तुम मिट्टू? हाँ मिट्टू ना कोई बुरा नहीं है। लक्ष्मी जी का शायद नहीं, लक्ष्मी जी का तो उल्लू है, किसी देवी का वाहन पैरट है। देखो सर्च करो, सर्च करो। काम देनु का बता रहा हूँ, सॉरी काम देव का। काम देनु? काम देव पैरट पे बैठते हैं और उनके बाण, ये तो मुझे पता है, फोटो में देखा है। उनका बाण गन्ने का, जो गन्ना चूसने वाला जो गन रहता है उसका, उनका वो धनुष बना होता है। बी स्ट्रिंग से उनकी स्ट्रिंग बनी होती है, और जो कौन सी स्ट्रिंग से? बीज, मधुमक्खियां रहती है वो। अच्छा
अच्छा। और फिर तीर का भी कुछ रहता है कि यार कोई तीर भी का एक वो रहता है, फिर उससे वो तीर मारते हैं। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कामदेव और रति का, रति उनकी वाइफ है। तो वो तोते पर बैठकर, तोता और मैना कामदेव और रति की निशानी है, इसीलिए उसको लिया जाता है। तो ये बात तो मुझे पहली बार, सच में पहली बार पता चली। एक्चुअली बहुत छोटे छोटे ऐसे भगवान है जिनको लोग जानते ही नहीं है। कामदेव को, मतलब कामदेव को हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं, कामदेव 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 बहुत सीरियस। कामदेव कृष्ण जी के पुत्र के रूप में भी जन्मे थे। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। हम लोग हंसी मजाक में, हिंदू होकर भी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं कामदेव, ऐसा नहीं है। कामदेव बहुत सीरियस और एक वेल डिफाइंड रोल के साथ वो है। इस पर्सन को पौराणिक कहानी कोई भी पूछ लो, याद जरूर रहेगी। और मैं कुछ भी कहूँ वो बिल्कुल याद नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। भले ही मैं वो 5 सेकंड पहले बोलूँ या मैं 1 घंटे पहले बोलूँ, वो कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन पौराणिक कुछ पूछ लो, बस तुम पूरी उसका विकिपीडिया खोल के बता देंगे। तो उसका रीजन है ना, जो भी अननेसेसरी चीज है आप उसको माइंड से निकाल दो। हम लोग बहुत सी बातें, किसी ने कुछ कह दिया उसे मन से लगा के बैठ जाते हैं, वही सोचते रहते हैं। सीरियस क्यों हो गए? मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, ये एक टिप है मुझे क्यों चीजें याद रहती हैं। उसके दो रीजन है। पहली चीज, मैं अननेसेसरी चीज अपनी माइंड में रखता। दूसरी चीज, मैं जेन्युइनली पौराणिक कहानियां पसंद करता हूँ। अगर मैं, मतलब ये जेन्युइनली मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? तुम्हारे से जुड़ी भी चीजें याद है मुझे। अब बहुत रैंडम रैपिड फायर पूछोगे तो बात अलग है। लेकिन हाँ ये है कि पौराणिक कहानियों में कैसा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में याद है कि लाइक देवता, दानव, जानवर, ये सब ऋषि कश्यप के वो है, बच्चे हैं, सभी भाई बहन है, सब देवता दानव सब भाई बहन है। इसके अलावा श्री कृष्ण के गुरु ऋषि थे ऋषि अत्रि, उन्होंने एक चीज कही थी कि मानव जन्म लेने के बाद इंसान वापस किसी जन्म में डिग्रेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है कि मैं ये करूंगा और अगले जन्म में मैं फॉर एग्जांपल गधा बन जाऊंगा, गाय बन जाऊंगा, सांप बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। मानव जन्म लेने के बाद आप वापस मानव में ही आते हैं। आप कहां मानव में आते हैं और किस श्रेणी में और किस शरीर के साथ आते हैं वो एक अलग चीज है। मैं तो मजाक करने के मूड में थी, लेकिन यहाँ मुझे, मैं पौराणिक कहानी के साथ मजाक नहीं करता। तो चलिए, अभी हमारा खाना पीना हो गया है, हम जा रहे हैं सोने। एटलीस्ट मैं तो जा ही रहा हूँ। कल का भी हमारा कुछ प्लान है। सुबह गणेश मंदिर जाना है, जो कि यहाँ पर किन्होंने बनवाया था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने बनवाया था। तो हम लोग गए हैं, ब्लॉग भी बनाई है, सारी चीजें हैं। बहुत टाइम हो गया था गए हुए, तो इसलिए हम लोग फिर से जाने वाले हैं। तो ब्लॉग को जल्दी से खत्म करते हैं, याद दिलाते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग डू लाइक, वॉच, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, एवरीथिंग डू जो आप एक यूट्यूब चैनल के साथ कर सकें, ठीक है? और तब तक देखते रहिए, क्या कहते हैं अपन लास्ट में यार, YouTube चैनल, हाँ, विच इज अखिल रक्षा की दुनिया।